क्रम था पूरा। पहली बात तो ये है, वो कहता है कि आनंद सिंह दांगी ने कपड़े फाड़े, वहाँ सैकड़ों लोग वोट डालने वाले भी हैं, ड्यूटी पर भी हैं कर्मचारी, वो कोई कह दे मैंने उसको हाथ भी टच करा। मैं गया, जब मैं नॉर्मली चेकिंग के जैसे अब यहाँ आया हूँ इसी तरह गया था, अंदर देखा तो वो जो ये मशीन रखी है ना बटन दबाने वाली, वहाँ पर खड़ा है और हट नहीं रहा है। कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन कराया जी ये इस तरह खड़ा है। मैंने कहा बोले आड़े तेरी मेरी ड्यूटी ना है भाई, ये ड्यूटी वालों का काम है, बोले इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैं फर्क ये है तो फर्क है और क्या का फर्क हो, आ जा निकल ले बाहर। निकलते बाद देख लूंगा तो मैं मकान बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, इस तरह की बातें करने लग गया। फिर धक्का मुक्की में जो है बच्चों ने, मैं तो इस बीच में आ गया, मेरा कोई मतलब नहीं। और उसके बाद फिर बाहर निकल गए, फिर कहा बोला मैं कांड करके मानोगे राड़े बिला अर्थी घास लानिया नहीं पाऊंगा, ऐसा काम कर दूंगा, इस तरह की वर्डिंग जो है बोल के। ये चुनाव में भी इस तरह की बातें आई, क्यों आ रही है? चुनाव की तो मैं दिखा दूं आपने मीडिया जो इसने रैली करी थी, क्या भाषा उसमें क्या भाषा है उनकी, नाश करने वाली चीज। हमारा फर्ज होता है कि हम हर प्रकार से सुख शांति के साथ अमन चैन के साथ, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम जनप्रतिनिधि हैं कि कोई भी मिसअपिनिंग हो। ये आग लगाता फिर हारा पड़ा है, वोट है नहीं इस बात को ले सुनिए। तो ये जो चीजें चल रही है, जो घटनाक्रम जिस बूथ पे हुआ 134 नंबर बूथ पे, अभी तो वहाँ स्मूथ है सब कुछ स्मूथ है ये स्मूथ, पहले भी स्मूथ था, अब भी स्मूथ है, आगे भी स्मूथ रहेगा। इसने आकर के जो है ना अपने उसको मदीना गांव है, मेरा मदीना गांव है, 90% वोटर बलराम के हक में पढ़ने लग रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, समर्थन इतना जबरदस्त है। दांगी साहब, जो सुबह घटनाक्रम हुआ उस पे आप महम हल्का वासियों से क्या अपील करना चाहते? मेरी अपील ये है कि आप इलेक्शन लड़ने लगे, ये एक भाईचारे का काम होता है, ये खेल है, खेल की भावना से हमने खेलना चाहिए। इसमें कोई हारेगा कोई जीतेगा, उसके बाद हमारा भाईचारा और आपस के हम जो भी है समाज है उसके हिसाब से रहेंगे। इसलिए मेरी अपील ये है कि इस मामले में कोई भी दूसरी तरह की भावना ना करके शांति से सारा सब कुछ अपना इलेक्शन लड़े। शुक्रिया सर। तो आनंद सिंह दांगी का कहना है कि सुबह बलराज कुंडू वहाँ आए जरूर थे और कुछ समर्थकों के साथ बातें हुई थी। वो बात इसलिए हुई थी क्योंकि इनका जो कहना है कि वो जहाँ पर मतदान होता है उस मशीन के पास खड़े थे, आरोप बलराज कुंडू ने भी लगाया है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो बूथ नंबर 134 पर शांति है और जो मतदान है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज 18 महम।